जल्दी चलाओ, कोई देखना ले। हाँ चला रहा हूँ। अरे ये क्या, इस गाड़ी में से डेड बॉडी को फेंका है? कौन थे ये लोग? अरे डेड बॉडी तो हिल रही है, मतलब ये अभी जिंदा है। वो पक्का मर गई थी ना? हाँ मर गई थी यार, पक्का ना। अरे यार तुमने तो मुझे भी डाउट में डाल दिया। चलो ऐसा करते हैं, जाके चेक करते हैं, अगर वो जिंदा होगी ना तो उसको ऊपर से गाड़ी चढ़ा देंगे। गाड़ी तो वापस आ रही है, शायद उसको मारने आ रही है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये गाड़ी तो मेरे पास आ रही है, एक काम करता हूँ, इस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। बॉडी कहाँ गई? लगता है कोई जानवर ले गया होगा। जानवर ले गया हो तो सही है, हमारी टेंशन खत्म, ना पुलिस को प्रूफ मिलेगा ना हम पकड़े जाएंगे। चलो चलते हैं। चलो लगता है चले गए वो, अब जल्दी से इस लड़की को उतारता हूं। रुकिए मैडम रुकिए। बहन तू, तेरी ये हालत कैसे हुई? बहन ये हालत तेरी किसने की बता मुझे? तेरे जीजा जी ने। क्या जीजा जी ने? लेकिन क्यों? क्योंकि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर जब मैं तुम्हारे घर से उनके घर गई तो मैंने देखा कि वो किसी और के साथ थे। मैडम जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। ओ हेलो मैडम, ये मेरा ही घर है, और आप कौन? अरे निशा कौन है यार? अंजलि तुम तो कल परसों आने वाली थी ना? अच्छा वो जो मैं आज आ गई, तुम्हारी असलियत तो पता चली मुझे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे यार नहीं आना चाहिए था ना, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम मारोगी मुझे? गेट बंद करो जल्दी। तुम्हारे साथ इतना गलत किया? चिंता मत करो बहन, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, उसने बहुत गलत किया है, जान से मार दूंगा उसको मैं। हाँ भाई छोड़ना नहीं उसे, बहुत गंदा इंसान है वो। चिंता मत कर बहन, उसको उसी के जाल में फंसाऊंगा मैं। अब तू देख तेरा भाई क्या करता है, ऐसी हालत कर दूंगा मैं उसकी, वो किसी के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं पाएगा। तू चल मेरे साथ।
हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रही हो यार? क्या बोलते थे काम? पता नहीं यार कैसे कैसे लोग आ गए यार, अपनी बीवी को मारे कहीं भी फेंक देते। एक मिनट होल्ड करना। ओए क्या बकवास कर रहा तू ये? तुझे थोड़े ना बोल रहा हूँ, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तूने अपनी बीवी को मार के फेंका है। क्यों मार के फेंका है क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को, कुछ भी बोल रहा है। अरे साहब, मैंने सुना आपने अपनी पत्नी को मार डाला है। क्या बकवास कर रहा तू ये? अरे साहब, सब लोग बोल रहे थे कि आपने अपनी पत्नी को मारा, तो मुझे लगा शायद मारा हो, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया। सुन, अपने काम से काम रख, ज्यादा दिमाग लगाएगा ना उसे मारा या नहीं मारा, तुझे जरूर मार दूंगा। चल बैठ। बहन अब तू रो मत, जितना रोना था तुझे रो लिया, अब जरूरत नहीं है। और उस इंसान के कर्मों की सजा उसको आज दिला करेंगे, उसका पर्दा फास कर देंगे। तुम चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ प्रिंस, तुम इतने टेंशन में क्यों? यार निशा, मुझे लग रहा है हमारा भांडा फूट गया है। उस दिन हमें किसी ने देख लिया था। क्या बोल रहे हो तुम, हमारा भांडा फूट गया है? यार तुम कुछ भी बोल रहे हो क्या? तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सब मुझे सबकी नजर से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों को पता है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। वाह जीजा जी वाह, आपसे यही उम्मीद थी। अंजलि तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा तो हूँ। कितना प्यार किया ना मैंने तुम्हें, तुम्हें अपना सब कुछ समझा, और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे मारने तक की कोशिश की। छी, घिन आती है मुझे तुम पे कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। और जितना मैंने तुम्हें प्यार किया ना, आज उससे कई ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो तो भगवान का भला था कि सही टाइम पे भगवान ने अरुण को भेज दिया, इसलिए मैं बच गई। नहीं तो तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, और आज शायद मैं जिंदा भी नहीं होती अगर मेरा भाई नहीं आता। और तुम भी किस इंसान पर विश्वास कर रही हो? इस इंसान को मैंने बहुत प्यार किया और हर वक्त इसका साथ दिया, फिर भी इस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश करी। अरे जो इंसान मेरा ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा निशा? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे प्यार करता हूँ मैं इससे, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं इससे, समझी? मैं बकवास कर रही हूँ या बकवास तुम कर रहे हो? जब तुम उसके पीछे मुझे मार सकते हो, तो तुम किसी और के लिए उसे भी तो मार सकते हो। क्यों, गलत कह रही हूं क्या मैं? और देख लेना, ये पक्का तुम्हें छोड़ देगा या जान से मार देगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम मेरे से नहीं बचोगी, आज ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे तेरे अंदर हिम्मत है ना, तो तू एक बार हाथ लगाकर तो देख, तेरा हाथ तोड़ दूंगा। देखना तेरे पर तो मुझे इतनी गुस्सा है ना, जी तो चाह रहा कि तुझे अभी जान से मार दूं, लेकिन किसी वजह से रुका हुआ हूं। बस बहुत हो गया, सही बोल रही है अंजलि, जब तुम इसके नहीं हो पाए तो तुम मेरे क्या होगे? जब तुम इसको मार सकते हो तो कल को तुम मुझे भी मार सकते हो। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, और मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ। अरे यार निशा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा यार, तुम समझो। ये कौन होती है हमारे बीच में आने वाली, जब मैं तुम्हारे लिए इसे मार सकता हूँ? तुम सोचो तो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज मुझे मत छोड़ो यार तुम। हाँ छोड़ो मेरा प्रिंस, मैं तुमसे वैसे भी प्यार नहीं करती, और मैं बेवकूफ थी कि तुम्हारा साथ दिया मैंने, इसीलिए मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं अभी के अभी जा रही हूँ। ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? तुम्हें भी तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी ना, तुमने भी तो प्रिंस का पूरा साथ दिया मुझे मारने में। मारने में क्या, तुमने तो मुझे मार ही दिया था, वो तो भगवान का भला हुआ जो मैं बच गई। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा तो पुलिस ही देगी, कुछ ही देर में बस पुलिस आती ही होगी। पुलिस, पुलिस को मत बुलाओ प्लीज, मैं इसे प्यार नहीं करती, मैं खामखा इन फालतू के झंझटों में फंस गई हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो,
मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अच्छा तो माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम माफी के काबिल भी हो? तुमने मुझे मार दिया था और मैं तुम्हें माफ कर दूं? माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। प्लीज अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं नहीं, मैं जेल जाना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करता इससे प्यार, अरे मैं तो इसके पैसों के लिए था इसके साथ यार, प्लीज 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 अंजलि मेरे पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं पहले जैसा कर दूंगा, जैसे हम दोनों हंसते खेलते रहते थे ना पहले, हम वैसे ही है, हम वैसे ही रहेंगे, बस मुझे जेल मत भेजो, मुझे बहुत डर लगता है जेल से, मुझे माफ कर दो मुझे प्लीज प्लीज प्लीज। ले पुलिस भी आ गई, अब तेरे किए की सजा ना तुझे जेल में ही मिलेगी। प्लीज अरे जाओ जाओ, अच्छे से भागो, बाहर तुम्हारा पुलिस इंतजार कर रही होगी, अच्छे से खातिरदारी करेगी तुम्हारी।